हेलो दोस्तों, मैं सुजीत कुमार आईपी टेक्सल स्कूल से आपका स्वागत करता हूं हमारे इस ऑनलाइन ट्यूटोरियल में, जहां हम सीखने जा रहे हैं पैथन। तो पहले वीडियो में हमने आपके साथ बताया था कि पैथन आखिर है क्या, क्या पर्पस है, क्या बेनिफिट्स हैं, क्या जॉब्स की रिक्वायरमेंट है, ये सब चीजों पे डिस्कस किया है। और बहुत सारे लोगों ने उस वीडियो को प्यार दिया, बहुत सारे लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब किया। हम पैथन की अगले स्टेज में जानते हैं कि पैथन को कैसे इंस्टॉल करें। जी हाँ, पैथन को अपने सिस्टम में कैसे इंस्टॉल करें, पैथन का क्या क्या चीजें हैं जो हम करेंगे, ये आज की क्लास में बात करेंगे। तो शुरू करते हैं वीडियोस, और वीडियोस को अंत तक देखिएगा अगर आपको पैथन सीखना है। अदरवाइज एक्सेस के लिए आपने सब ब्राउज किया है तो प्लीज चैनल पर जाइए, एक्सेस की वीडियोज को देखिए। तो पैथन, सबसे पहले हमें पैथन को डाउनलोड करना होगा। तो हम यहाँ पे पैथन सर्च करें, और यहाँ python.org जो इसका फ्री है, और पैथन बिल्कुल फ्री है, इसके लिए कोई परचेज करने की जरूरत नहीं है। इसके डाउनलोड वाले सेक्शन पे चले जाए, और पैथन का कोई भी वर्जन हो, क्योंकि वीडियो चलाने के बाद हो सकता है 2 साल बाद कोई देखे, 2 साल बाद कोई और वर्जन हो, तो लेटेस्ट जो वर्जन होगा यहाँ पे आएगा, उसको डाउनलोड पे क्लिक कर देना है, जस्ट डाउनलोड पे, और यहाँ डाउनलोडिंग हो जाएगा। 27 MB की है, बहुत ही कम डाउनलोड होगा। अब पैथन डाउनलोड करने से नहीं होगा, हमें इसके साथ डाउनलोड करना होगा पैथन का सोर्स कोड, जिसपे हम यूज करेंगे, डाउन ये करेंगे आपका, इससे पैथन की कोडिंग करेंगे। तो उसके लिए बहुत सारे लोग जो है पाइचार्म यूज करते हैं, बहुत सारे लोग नोटपैड से कर देते हैं, लेकिन मैं माइक्रोसॉफ्ट का यूज करता हूँ। तो माइक्रोसॉफ्ट का यूज करूंगा विजुअल स्टूडियो, इसके लिए हम लिखेंगे वीएस कोड। तो वीएस कोड सर्च कीजिए, यहाँ पे विजुअल स्टूडियो कोड आपके पास आएगा, आपको लगे हाथ इसको भी डाउनलोड करना है। और दोनों को इंस्टॉल करना है, यहाँ पे आएगा, यहाँ पे नीचे आप डाउनलोड कर सकते हैं इसको, यहाँ से डाउनलोड पे क्लिक कीजिए, ये आपका डाउनलोड हो जाएगा। विंडोज के लिए या फिर लिनक्स के लिए, मैक के लिए, मैं विंडोज यूज करता हूँ। कौन सा है, 64 बिट है, 32 बिट है, जो यूज कर सकते हो कर सकते हो। मैं इस पर क्लिक करता हूँ, ये डाउनलोडिंग शुरू कर देगा। अब जब तक वी स्टूडियो डाउनलोड हो रहा है, तब तक हम पैथन को डाउनलोड कर रहे हैं, इंस्टॉल कर लेते हैं। सॉरी, पैथन इंस्टॉल करते समय एक चीज का ध्यान रखना है, जैसे मेरे पास ऑलरेडी इंस्टॉल है तो मैं इसको मॉडिफाई पे क्लिक करता हूँ, आपको कोई जरूरत नहीं है। नीचे एक आएगा क्लिक सर एड पैथन 3.82 पाथ, ये सिलेक्ट करने का ऑप्शन आता है, इसको इंस्टॉल करना। इंस्टॉल करने में खास नहीं है, बस इंस्टॉल नॉर्मल इंस्टॉल होता है, आप इंस्टॉल कर सकते हैं, लेकिन ध्यान रखिएगा आपको 3.82 पाथ सिलेक्ट करना होगा, या नीचे ऑप्शन में आएगा उस पर क्लिक करना होगा इंस्टॉल करते समय। सर ऐसे विजुअल स्टूडियो को इंस्टॉल कर लीजिए, इस पर कोई बड़ी बात नहीं है इंस्टॉल करने, नॉर्मल सॉफ्टवेयर की तरह इंस्टॉल होता है, जैसे मॉडिफाई पे यहाँ पे ये एक्सेप्ट पे क्लिक कीजिए, नेक्स्ट कर दीजिए, नेक्स्ट और नेक्स्ट, उसके बाद आपको कुछ भी और नहीं करना, इंस्टॉल पे क्लिक कर दीजिए, ये इंस्टॉल हो जाएगा। और जब इसको यूज कीजिएगा तो ध्यान रखिएगा ये आपका यहाँ यही पे जिस चेकबॉक्स है यही पे चेकबॉक्स आएगा आपका एड पाइथन 3.82 पाथ, इसका ध्यान रखिए। अब पाइथन इंस्टॉल हुआ है नहीं हुआ है इसको चेक करने के लिए आपको क्या करना होगा, पावर सेल ओपन कीजिए। हालांकि अब इसको अपना cmd कमांड पे भी यूज कर सकते हैं, लेकिन मैं पावर सेल पे चेक करता हूँ, पावर सेल हमने यूज किया। पावर सेल में यहाँ पे आपको सिंपल सा सर्च करना है पाइथन, पैथन लिख के एंटर मारिए। यहाँ पे पैथन का वर्जन शो कर देगा कि 3.10 है। अगर वर्जन शो कर दिया इसका मतलब पैथन है। इसमें आप एक काम और कर सकते हैं, मैं एंटर प्रेस करता हूँ, और यहाँ पे मैं एक बार और लिख सकता हूँ पिप, पिप लिख के इसे एंटर मारिए,
यहाँ पे आपको दिखा दिया। पिप का डिटेल्स यहाँ आएगा आपको यहाँ पे, मिनट तो यहाँ आपने पैथन को चेक कर लिया कि पैथन है नहीं, पैथन है या नहीं, आपका समझ में आ गया। अब आपको विजुअल स्टूडियो डाउनलोड करना, ओपन करना है विजुअल स्टूडियो कोड। विजुअल स्टूडियो कोड में डाउनलोड करने के से पहले आपको यहाँ पे क्या करना होगा, क्लिक एक्सटेंशन, यहाँ दिख रहा होगा, क्लिक एक्सटेंशन पे जाना है और यहाँ आप सर्च कर लीजिए पैथन। जैसे आप लोग इसमें करते हैं ना, प्ले स्टोर में जाते हैं मोबाइल के और अपना इंस्टॉल करते हैं सॉफ्टवेयर, ऐसे आपको यहाँ पे पैथन को इंस्टॉल करना है। ये पैथन इंस्टॉल कर लेगा अपने अंदर, तो इससे बेनिफिट क्या होगा, सोर्स कोड क्या है, ये आपका जो वीजी कोड क्या है कि इसकी अंदर हम अपनी कोडिंग करेंगे और जो भी करना हम इसी के अंदर करेंगे और इसमें हम यहीं पे रन करके चेक भी करेंगे। तो एक्सटेंशन ऐड कर लीजिए। एक्सटेंशन ऐड करने के बाद अब चलिए एक नई फाइल हम क्रिएट करते हैं। यहाँ न्यू पे ऑलरेडी फाइल क्रिएटेड है, फिर भी मैं यहाँ न्यू पे जाता हूँ, एक फाइल क्रिएट करता हूँ। मैं यहाँ पे FST नाम के FST.py, इसका जो पैथन का जो एक्सटेंशन होता है PY, PY क्लिक कीजिए और एंटर प्रेस कीजिए। अब यहाँ पे अपनी प्रोग्रामिंग लिखेंगे, कोई भी प्रोग्रामिंग लिखना है तो यहाँ पे आप प्रोग्रामिंग लिख सकते हैं। प्रोग्रामिंग लिखने के लिए आपको जैसे मैंने यहाँ पे लिख देते हूँ प्रिंट, और प्रोग्रामिंग बिल्कुल आसान है, वीवीए प्रोग्रामिंग की तरह नहीं है कि इसमें कॉम्प्लिकेटेड है, आसान है। हमने आईपीटी कर दिया और देख रहे हैं ये विजुअल स्टूडियो कोड कितना आसानी से सब कुछ यहाँ पे दे देता है और कुछ करने की जरूरत नहीं है। उसके बाद इसको चेक करने के लिए, टेस्ट करने के लिए प्ले बटन है, इस पर क्लिक कीजिए और यहाँ आपको देखिए आईपीटी आ गया, रन हो गया, कोई एरर नहीं है, आपका आउटपुट यहाँ शो कर, आउटपुट शो कर देगा टेस्टिमोनियल में। रन कर दिया आईपीडी शो कर देगा, लेकिन इसका फायदा क्या होगा, मतलब कि मैं रन कर लिया आईपीडी क्या होगा, लेकिन इसके अभी तो फिलहाल इस टेस्टिंग मोड पे है, आप ये जानते हैं कि इस टेस्टिंग मोड पे है, लेकिन जब इसको बाहर निकालेंगे, इसकी जो इंस्टॉलेशन ये किसी फाइल होती है वो अलग करेंगे, या फिर जो वेब वर्जन वेबसाइट जब बनाएंगे तो वेब की इंस्टॉलेशन फाइल अलग करेंगे, तो वहां पे इसका रियल यूज पता चलेगा। तो अभी जो है ये जो है कोडिंग मोड में है, अब इसको जज करने के रन करने के मुझे विजुअल स्टूडियो में जाके ही रन करना होगा, तभी हो पाएगा, अदरवाइज नहीं हो पाएगा, तो इसका ध्यान रखिएगा। तो फटाफट जे आप क्या करें, पैथन को इंस्टॉल करें, विजुअल स्टूडियो को इंस्टॉल करें और साथ में विजुअल स्टूडियो में जाएं और पैथन को आप सर्च करके उसको एड ऑन में जाके इंस्टॉल कर लें और प्रोग्राम वगैरह चेक करते रहें आप। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, जहां हम बात करेंगे पैथन की और प्रोग्रामिंग के ऊपर।